वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजाद होने से पहले भारत की इकोनॉमी कैसी थी। तो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो उस समय हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी थी और हमारी इंडिया की इकोनॉमी में लोग क्या कर रहे थे? क्या हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी या हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी थी? क्या हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी या हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी थी? तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें काफ़ी लंबे समय से कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ हो रहा है तो बहुत कम ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब कि लो लेवल ग्रोथ। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स लो लेवल ग्रोथ। सेकेंड, वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी मतलब जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ताकि हमारी इकोनॉमी जल्दी से ग्रो कर सके, उसे बोलेंगे हम वाइब्रेंट इकोनॉमी, जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और हमारी इकोनॉमी जल्दी से ग्रो कर सके। तो हमारी इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, लो लेवल ग्रोथ थी, काफी लंबे समय से कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अब सेकंड, क्या हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी या हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी थी? बैकवर्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसमें ज़्यादातर फार्मर एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए फार्मर डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पे, उसे बोलेंगे हम बैकवर्ड इकोनॉमी। इट मींस मैक्सिमम फार्मर्स depends on agriculture for subsistence, मतलब ज्यादातर farmer depend है agriculture पे जिंदा रहने के लिए, उसे बोलेंगे हम backward economy, जिससे क्या होगा, quality of life low होगी और जो अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा वो पॉवर्टी का रिजल्ट निकलेगा, उसे हम बोलेंगे बैकवर्ड इकोनॉमी। सेकेंड, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी मींस जिसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी क्या किया जा रहा है, सोर्स ऑफ लिविंग या लिवलीहुड
बनाया जा रहा है। डेवलपिंग इकोनॉमी मींस जिसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सोर्स ऑफ लिविंग बनाया जा रहा है, उस इकोनॉमी को बोलेंगे हम डेवलपिंग इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा होगी डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो क्या हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी या हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी थी? तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम फार्मर्स डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे सब्सिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिससे क्या हुआ क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हुई और जो लास्ट में रिजल्ट निकला वो पॉवर्टी का रिजल्ट निकला। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी और जैसे ही ब्रिटिशर इंडिया की इकोनॉमी में आए तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाया। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग अराउंड 80%। इट मींस कि जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट और लिविंग का। हमारे नियर अबाउट 85% पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारे लगभग 80% पीपल्स जो थे एग्रीकल्चर में लगे थे। सेकेंड पॉइंट, इंडिया वॉज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारा भारत था वो जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, और हमारा भारत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था। थर्ड, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। इट मीन्स जो हमारी इकोनॉमी थी वो समृद्ध और खुशहाल इकोनॉमी थी। तो ऐसी इकोनॉमी थी हमारी ब्रिटिश रूल से पहले। हमारी इकोनॉमी को सोने की चिड़िया कहा जाता था ब्रिटिश रूल से पहले। क्या हुआ, ब्रिटिशर हमारे इंडिया में आए और उन्होंने चलाकी से यहाँ जगह बनाई और यहाँ पे रूल किया ताकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ ना हो सके। और हमारे इंडिया की इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल था, उनका वो अपनी कंट्री के लिए यूज़ कर सके। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल, जो इंडिया के पास रॉ मटेरियल था, उसको एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन में। ब्रिटिशर ने क्या किया, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन को। और ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, वहां से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट की इंडिया को। हमारी इकोनॉमी में उन्होंने क्या किया, फिनिश गुड्स इंपोर्ट की अपनी कंट्री से। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर ने इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन को और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करी हमारे इंडिया में। और जिससे क्या हुआ, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इसको बहुत सारा नुकसान हुआ। और अब हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेशन इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जो सबसे पहले कोशिश की थी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, वो की थी दादा भाई नरोजी, विलियम वी के आर वी राव और आर सी देसाई। पर जो इसमें सबसे सही डाटा माना जाता है वो माना जाता है वी के आर वी राव का। इनके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम कितनी थी, लेस देन 2%, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी लेस देन 0.1%।